हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समूह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल समूह के व्लॉग्स को। तो दोस्तों, आज का हमारा ये व्लॉग कोई व्लॉग नहीं, ना फिर फनी व्लॉग है, कुछ भी नहीं, मतलब इन्फॉर्मेटिव है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे अगर आप एक वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं या फिर रील्स वगैरह बनाना चाहते हैं। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो को छोड़कर भाग जाइए। बाकी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो चैनल है वो एकदम बर्बाद हो जाता है। यानी उनका चैनल कोई क्लियरिटी नहीं रहता है, यानी कि वो कुछ भी बनाकर डाल देते हैं, कभी स्टेटस डाल दिया, कभी व्लॉग डाल दिया, कभी डांस करके डाल दिया, मतलब कुछ भी। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, मतलब कोई भी सॉन्ग ले लिए उस पर डांस कर देते हैं और उसी गाने को यूज़ करने के बाद आपके वीडियोज़ पर कॉपीराइट आएगा, यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में आकर मतलब YouTube स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और उनको कुछ भी नहीं मालूम होता है कि हम अपने वीडियो को वायरल कैसे करें, अपलोड कैसे करें, अच्छा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि पहले आप अच्छे से सीख लें, उसके बाद ही YouTube वगैरह स्टार्ट करें, वरना आपकी जो मेहनत होगा उस पर पूरा पानी फिर जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 5 घंटे वीडियो बनाते हैं तो 5 घंटे आप रिसर्च करने में लगाएं। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपको जो भी मेहनत है वो पूरा पानी फिर जाएगा। तो अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको चैनल शो हो रहा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल का, जो कि मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, यानी कि मेरे वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ गया। अब आप ही बताइए कि जब मैं नो कॉपीराइट म्यूज़िक को यूज़ करता हूँ तब आ गया, तो आप ही बताइए कि अगर आप सॉन्ग यूज़ करते हैं तो आपके चैनल पर क्या हाल होगा। और आप सभी को तो मालूम होगा कि मैं 1-1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए इंस्टाग्राम पर, जाइए समूह के ब्लॉग सर्च कीजिए, वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि भाई बताइए कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं। तो भाई, इन सारी चीज़ों को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं मतलब यार ऐसे लोगों को बताऊँगा तो यार मतलब मैं क्या करूँगा, मतलब थोड़ा सा हंसी भी आता है यार कि मतलब लोग पूछते हैं कि चैनल को कैसे बनाएं, मतलब आप बताइए। तो ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, अगर कोई बड़ा सीरियस है, कोई पॉइंटर पॉइंट है, अगर आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि भाई यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाएं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि अगर आप वीडियो वगैरह नहीं बना पाते हैं या फिर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम हुआ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा टूर पर जाता था, यानी कि टूर बहुत ज़्यादा करता था, तो वहाँ पर मैंने ना मतलब इतना दम नहीं होता था कि मतलब फेस कैम वीडियो बना पाऊँ, जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस पर मेरा चेहरा नहीं देता था, बस वीडियो अपलोड किया, सीन किया उसको, और जो भी वॉइस रहता था वो मैं बाद में अपलोड कर देता था, ठीक है। तो अगर आप अपना खुद का वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, मैं कोई भी कॉपीराइट कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। वो भी मतलब बिना परमिशन के आप किसी भी तरह से यूज़ कीजिए, बस वो म्यूजिक है आप अच्छे तरीके से लगाइए ताकि यूट्यूब आपको कॉपीराइट ना दे, ठीक है। तो अगर आप एक आलसी आदमी हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। मेरे को जानता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें कुछ सजेशन दें यार, ताकि हमें भी कुछ सीख मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।